जी दोस्तों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले उन दोस्तों को ईद मुबारक जिन्होंने मून फाइटिंग को फॉलो करते हुए आज बरोज़ जुमेरात 11th ऑफ अप्रैल 2024 को ईद उल फितर मनाई है, और उसके बाद उन दोस्तों को ईद मुबारक जिन्होंने गुजरी हुई कल कैलेंडर को फॉलो करते हुए 10th ऑफ अप्रैल 2024 को ईद मनाई है, और उसके बाद उन दोस्तों को ईद मुबारक जो के प्रदेश की ईद को लेकर बहुत दुखी हुए हुए हैं और ये कहते फिर रहे हैं और ये पोस्टें लग रही हैं कि जी प्रदेश की ईद क्या ईद होती है भाई। उन आप लोगों के लिए मैसेज है, स्टे स्ट्रॉन्ग। और ऑस्ट्रेलिया से बाहर बसने वाले दोस्त जिनको ये नहीं पता कि जो चंद पाकिस्तान में चढ़ता था वो इस बार ऑस्ट्रेलिया में भी चढ़ गया, वो ये हुआ है जी कि कुछ लोगों ने फॉलो किया है मून साइटिंग को, चांद देखकर ईद मनाई है, और कुछ लोगों ने फॉलो किया है कैलेंडर को, और जिन्होंने कैलेंडर के हिसाब से ईद मनाई है। तो हम हैं जी मून साइटिंग वाले, हम दोनों को ईद मुबारक कहते हैं, जिन्होंने चांद देखकर ईद मनाई है और जिन्होंने कैलेंडर को फॉलो करके ईद मनाई है। दोस्तों बेशक आप प्रदेश में हैं और ईद फैमिली के साथ होती है, लेकिन सुन्नत को और रिवायत को ठंडा नहीं पड़ने देना, इसको ताज़ा रखना है और सेलिब्रेट एज मच एज यू कैन, और दोस्तों के साथ दावत पे जाएं, दोस्तों की तरफ जाएं, और दोस्तों को खुद भी दावत पे बुलाएं अपने पास, और आगे से ये बहाना नहीं होना चाहिए कि जी मेरी तो शिफ्ट है, शिफ्टा दोस्तों पूरी साल चल रही हैं और ईद उल फितर जो उनसी है वो साल में एक बार ही आती है। और हैप्पी ईद और ईद मुबारक टू एवरीवन, और इस खुशी के मौके पर प्लीज़ डोंट फॉरगेट पीपल ऑफ गाज़ा। जो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, जिस तरह की आप आवाज़ उठा सकते हैं, जिस तरह का आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ डू एज मच एज यू कैन। अपना, अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें।